वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेली यूज वर्ड्स के बारे में, मतलब रोज बोले जाने वाले कुछ शब्द। हम हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, उसमें से कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हमें पता नहीं होता। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम कुछ वर्ड्स को, डेली रूटीन में आने वाले कुछ वर्ड्स को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं या फिर इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है वो विद एग्जाम्पल हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज योग्यता। योग्यता को इंग्लिश में कहा जाता है एबिलिटी। योग्यता मीन्स एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, टीना हैज एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। इसका मतलब होता है टीना में खेलों में भाग लेने की क्षमता है, मीन्स योग्यता है। टीना हैज एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स मीन्स टीना में खेलों में भाग लेने की क्षमता या फिर हम कह सकते हैं योग्यता है। तो योग्यता के जगह पे हम एबिलिटी का यूज कर सकते हैं। तो योग्यता को हम इंग्लिश में कहेंगे एबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज कबूल। कबूल को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सेप्ट। कबूल मीन्स एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आरव हैज एक्सेप्टेड द ट्रूथ मीन्स आरव ने सच कबूल कर लिया। तो हम कबूल को इंग्लिश में कहेंगे एक्सेप्ट, मीन्स कबूल करना, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है दुर्घटना। दुर्घटना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सीडेंट। दुर्घटना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, शी लॉस्ट हर डैड इन एक्सीडेंट मीन्स उसने दुर्घटना में अपने पिता को खो दिया। दुर्घटना को इंग्लिश में एक्सीडेंट कहा जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है शी लॉस्ट हर डैड इन एक्सीडेंट, मतलब उसने अपने पिता को एक्सीडेंट में या फिर दुर्घटना में खो दिया। नेक्स्ट वर्ड इज गोद लेना। गोद लेने को इंग्लिश में कहा जाता है अडॉप्ट। गोद लेना मीन्स अडॉप्ट। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन शुड अडॉप्ट गुड मैनर्स। इसका मीनिंग होता है सभी को अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए या फिर हम कह सकते हैं गोद लेने चाहिए। तो गोद लेने को हम इंग्लिश में कहेंगे अडॉप्ट करना। अगला वर्ड है प्राप्त करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर। प्राप्त करना यानी कि एक्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अमित विल हेल्प मी टू एक्वायर अ न्यू हाउस। इसका मतलब होता है नया घर लेने में या फिर प्राप्त करने में अमित मेरी मदद करेंगे, मीन्स एक्वायर करने में अमित विल हेल्प मी। प्राप्त करना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्वायर। नेक्स्ट इज प्रभावित करना। प्रभावित करना यानी कि अफेक्ट करना। प्रभावित करने को इंग्लिश में कहते हैं अफेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जजेस अफेक्टेड बाय किड्स परफॉर्मेंस मीन्स बच्चों के प्रदर्शनों से जज प्रभावित हुए। प्रभावित करना मीन्स अफेक्ट करना। तो इसमें एग्जाम्पल ये है कि जजेस अफेक्टेड बाय किड्स परफॉर्मेंस मीन्स बच्चों के प्रदर्शन से जज प्रभावित हुए, अफेक्ट हुए। नेक्स्ट वर्ड है विश्वास। विश्वास यानी कि बिलीफ। विश्वास मीन्स बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, गीता हैड बिलीव दैट शी क्लियर द UPSC। इसका मीनिंग होता है गीता को विश्वास था कि वो UPSC पास कर लेगी। विश्वास को हम इंग्लिश में बिलीफ कहते हैं। तो एग्जाम्पल में ये है कि गीता को विश्वास था कि वो UPSC पास कर लेगी, तो उसे इंग्लिश में गीता हैड बिलीव दैट शी क्लियर्स द UPSC कहते हैं। नेक्स्ट इज सुंदर। सुंदर तो हम सबको पता है, सुंदर माने की ब्यूटीफुल। सुंदर माने की ब्यूटीफुल। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। इसका मतलब होता है फूल सुंदर है, फूल सुंदर है या फिर फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो सुंदर को इंग्लिश में कहेंगे ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड इज उल्टा पुल्टा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरी। उल्टा पुल्टा मीन्स एवरी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल माई प्लान्स फॉर द मूवी हैड गॉन एवरी मीन्स फिल्म के लिए मेरी सारी योजनाएं उल्टी पुल्टी हो गई थी।
उल्टा पुल्टा मीन्स अवरी. तो फॉर एग्जाम्पल में हमने देखा ऑल माई प्लान्स फॉर द मूवी हैड गॉन अवरी मीन्स फिल्म के लिए जो मेरी योजनाएं थी सब उल्टी पुल्टी हो गई मीन्स अवरी हो गई. नेक्स्ट वर्ड इज पहले से अच्छा. इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटर. पहले से अच्छे को इंग्लिश में कहते हैं बेटर. फॉर एग्जाम्पल यश फील बेटर आफ्टर टेकिंग अ नैप मीन्स झपकी लेने के बाद यश बेहतर महसूस करते हैं. तो पहले से अच्छा को इंग्लिश में कहा जाता है बेटर. तो यश फील्स बेटर आफ्टर टेकिंग अ नैप मीन्स झपकी लेने के बाद या फिर सोने के बाद यश पहले से भी ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं. जिंदा दिल. जिंदा दिल को कहा जाता है ब्लिथसम. जिंदा दिल यानी कि ब्लिथसम. फॉर एग्जाम्पल ही इज अ ब्लिथसम पर्सन मतलब वह एक जिंदा दिल व्यक्ति है. ही इज अ ब्लिथसम पर्सन मीन्स वह एक जिंदा दिल व्यक्ति है. नेक्स्ट इज उधार. उधार को इंग्लिश में कहा जाता है बोरो. उधार करना यानी बोरो करना. फॉर एग्जाम्पल शिखा बोरो लीनास बैग मीन्स शिखा ने लीना का बैग उधार लिया. उधार करना उधार लेना यानी बोरो करना. तो उसे इंग्लिश में कहेंगे शिखा बोरो लीनास बैग मीन्स शिखा ने लीना का बैग बोरो किया मीन्स उधार लिया. सांस लेना. हम सबको पता है कि सांस लेने को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रीद. सांस लेना मीन्स ब्रीद. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू लर्न हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली मीन्स आपको ठीक से सांस लेना सीखना होगा. यू हैव टू लर्न हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली मीन्स आपको ठीक से सांस लेना सीखना होगा. तो सांस लेने को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रीथ. व्यापक दिमाग मीन्स ब्रॉड माइंडेड. व्यापक दिमाग को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रॉड माइंडेड. फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स आर ब्रॉड माइंडेड एंड प्रैक्टिकल मीन्स इसका मीनिंग ये होता है कि मेरे माता पिता व्यापक विचारों वाले और व्यवहारिक है. तो व्यापक दिमाग को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रॉड माइंडेड. परवाह करना. परवाह करने को इंग्लिश में कहा जाता है केयर. परवाह करना मीन्स केयर करना. फॉर एग्जाम्पल टीना टेक केयर ऑफ हर डॉग वेरी वेल मीन्स टीना अपने कुत्ते की बहुत अच्छी तरह से परवाह करती है मीन्स क्या करती है वो केयर करती है. तो परवाह करने को हम इंग्लिश में कहेंगे केयर. खुशी मनाना. हम सबको पता है कि खुशी मनाने को इंग्लिश में कहा जाता है सेलिब्रेट. यस खुशी मनाने को इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रेट. फॉर एग्जाम्पल वी विल बी सेलिब्रेट दिवाली इन पुणे. इसका मीनिंग होता है हम पुणे में दिवाली मनाएंगे मतलब हम हमारी दिवाली पुणे में सेलिब्रेट करेंगे. तो उसे इंग्लिश में कहेंगे वी विल बी सेलिब्रेट दिवाली इन पुणे. तो खुशी मनाने को इंग्लिश में कहेंगे सेलिब्रेट. होशियार. होशियार को इंग्लिश में कहा जाता है क्लेवर. होशियार यानी क्लेवर. एग्जाम्पल तारा इज क्लेवर इन चेस मीन्स तारा शतरंज में होशियार है. तारा इज क्लेवर इन चेस मीन्स तारा शतरंज में होशियार है. तो होशियार को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लेवर. टिप्पणी. टिप्पणी मीन्स कमेंट. टिप्पणी करना को इंग्लिश में कहा जाता है कमेंट करना. फॉर एग्जाम्पल टीचर ऑलवेज कमेंट ऑन माई हैंडराइटिंग. इसका मीनिंग होता है शिक्षक हमेशा मेरी लिखावट पर टिप्पणी करते हैं मीन्स कमेंट करते हैं. तो टिप्पणी करने को हम इंग्लिश में कहेंगे कमेंट करना. सीमाबद्ध. सीमाबद्ध को इंग्लिश में कहा जाता है कन्फाइन. सीमाबद्ध मीन्स कन्फाइन. फॉर एग्जाम्पल लारा डिड नॉट कन्फाइन हर सेल्फ टू द वन लैंग्वेज. इसका मतलब होता है लारा ने खुद को एक भाषा तक सीमित नहीं रखा मीन्स सीमाबद्ध नहीं किया मतलब उसने और कई भाषा सीख ली. तो सीमाबद्ध को हम इंग्लिश में कहेंगे कन्फाइन. नेक्स्ट इज मुकुट. मुकुट को हम इंग्लिश में कहेंगे क्राउन.
मुकुट यानी कि क्राउन. फॉर एग्जाम्पल सीमा विंस द ब्यूटी क्राउन, इसका मतलब होता है सीमा ने सुंदरता का ताज जीता, मीन्स क्राउन जीता. तो मुकुट को हम इंग्लिश में कहेंगे क्राउन. नेक्स्ट वर्ड इज रंगीन मिजाज, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे डैंडी. रंगीन मिजाज को इंग्लिश में कहेंगे डैंडी. फॉर एग्जाम्पल साकेत इज अ डैंडी पर्सन, मीन्स साकेत एक रंगीन मिजाज व्यक्ति है. तो रंगीन मिजाज को हम इंग्लिश में कहेंगे डैंडी. जानबूझकर या फिर सोचा समझा, हर इसे इंग्लिश में हम कहेंगे डेलिब्रेट. डेलिब्रेट जानबूझकर या सोचा समझा मीन्स डेलिब्रेट. फॉर एग्जाम्पल दिया डेलिब्रेटली ब्रोक द ग्लास, मीन्स दिया ने जानबूझकर शीशा तोड़ा, मीन्स उसने जानबूझकर या फिर सोच समझ के शीशा तोड़ा, मीन्स दिया डेलिब्रेटली ब्रोक द ग्लास. तो जानबूझकर या सोचा समझा को हम इंग्लिश में कहेंगे डेलिब्रेट. निर्णायक, निर्णायक को हम इंग्लिश में कहेंगे डिसिसिव. फॉर एग्जाम्पल नव्या नीड्स टू बी मोर डिसिसिव, इसका मतलब होता है नव्या को अधिक निर्णायक होने की जरूरत है. तो निर्णायक को हम कहेंगे डिसिसिव. मतलब हम कभी भी कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होते हैं या लेट करते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है कि तुझे अभी निर्णय लेना ही है, मीन्स तुझे अधिक निर्णायक होना है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डिसिसिव. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वर्ड है वर्णन. वर्णन को इंग्लिश में कहा जाता है डेपिक्शन. वर्णन मीन्स डेपिक्शन. फॉर एग्जाम्पल इट्स डिफिकल्ट टू मेक डेपिक्शन इन अ सेंटेंस, मीन्स एक वाक्य में चित्रण करना या वर्णन करना कठिन है. इट्स डिफिकल्ट टू मेक डेपिक्शन इन अ सेंटेंस, मीन्स एक वाक्य में वर्णन करना कठिन है. तो वर्णन को हम इंग्लिश में कहेंगे डेपिक्शन. इसके बावजूद, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पाइट. इसके बावजूद मीन्स डिस्पाइट. फॉर एग्जाम्पल शी वॉन द रेस डिस्पाइट हर लेग हर्ट्स, मीन्स पैर में चोट के बावजूद उसने रेस जीती. उसके बावजूद को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पाइट. तो शी वॉन द रेस डिस्पाइट हर लेग हर्ट, मीन्स पैर में उसे चोट लगी थी, उसके बावजूद भी उसने रेस जीती. मतलब डिस्पाइट मीन्स उसके बावजूद. नेक्स्ट वर्ड है राजनीति. राजनीति को हम इंग्लिश में कहेंगे डिप्लोमेसी. राजनीति मीन्स डिप्लोमेसी. फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमेसी इज नॉट इन हर नेचर, मीन्स राजनीति उसके स्वभाव में नहीं है. तो राजनीति को हम इंग्लिश में कहेंगे डिप्लोमेसी. नेक्स्ट इज नापसंद. नापसंद को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसलाइक. जैसे कि पसंद को हम लाइक कहते हैं, तो नापसंद को क्या आ जाता है डिसलाइक. फॉर एग्जाम्पल अदिरा डिसलाइक द पिज्जा मेड एट होम, मीन्स घर का बनाया पिज्जा अदिरा को पसंद नहीं है, नापसंद है. इसका मतलब होता है कि घर का बनाया पिज्जा अदिरा को नापसंद है. तो नापसंद को इंग्लिश में कहा जाता है डिसलाइक. अगला वर्ड है अपराधी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डूम्ड. अपराधी मीन्स डूम्ड. फॉर एग्जाम्पल शी फील्स डूम्ड हर सेल्फ फॉर लॉस इन बिजनेस. इसका मीनिंग होता है वह व्यापार में नुकसान के लिए खुद को अपराधी महसूस करती है, मीन्स डूम महसूस करती है. तो अपराधी को हम इंग्लिश में कहेंगे डूम. नेक्स्ट इज आराम. आराम मीन्स इजी. आराम मीन्स इजी. फॉर एग्जाम्पल बानी फील्स इजी विथ मम्मी, मीन्स मम्मी के साथ बानी आराम महसूस करती है, मीन्स इजी महसूस करती है. तो आराम को हम इंग्लिश में कहेंगे इजी. अधिकार. अधिकार मीन्स एम्पावर्ड. अधिकार मीन्स एम्पावर्ड. फॉर एग्जाम्पल ओल्डर पर्सन इन फैमिली हैव एम्पावर टू टेक डिसीजन, मीन्स परिवार में बड़े व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार है, यानी कि एम्पावर्ड है. तो ओल्डर पर्सन इन फैमिली हैव एम्पावर टू टेक डिसीजन, मीन्स परिवार में बड़े व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार है. तो अधिकार को हम इंग्लिश में कहेंगे एम्पावर. नेक्स्ट वर्ड है
जान डालना, जान डालने को इंग्लिश में कहते हैं एनलाइवन। जान डालना मीन्स एनलाइवन। फॉर एग्जाम्पल, विथ सरप्राइज डांस ब्राइड एनलाइवन द पार्टी, मीन्स सरप्राइज डांस के साथ दुल्हन ने पार्टी में जान डाल दी, मतलब एनलाइवन। तो जान डालने को हम इंग्लिश में कहेंगे एनलाइवन। जब भी दुल्हन ने सरप्राइज डांस किया तो पार्टी में अलग ही जान आ गई, मीन्स पार्टी और भी अच्छे से हो गई। तो जान डालने को हम इंग्लिश में कहेंगे एनलाइवन। नेक्स्ट इज दिलचस्प। दिलचस्प को हम इंग्लिश में कहेंगे एंथ्रॉलिंग। दिलचस्प यानी कि एंथ्रॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल, दादीज वॉइस इज एंथ्रॉलिंग इन ओल्ड मेमोरीज। इसका मतलब होता है पुरानी यादों में दिलचस्पी देती है दादी की आवाज। दिलचस्पी देना यानी एंथ्रॉलिंग होना। तो दिलचस्प को हम इंग्लिश में कहेंगे एंथ्रॉलिंग। अनन्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव। अनन्य मीन्स एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस डिश इज मेड फॉर एक्सक्लूसिव ओकेजन, मीन्स यह डिश अनन्य मौकों के लिए बनाई गई है। तो अनन्य को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट इज विशेषज्ञ। विशेषज्ञ को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपर्ट। विशेषज्ञ को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपर्ट। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्य इज एक्सपर्ट इन क्विज, मीन्स लक्ष्य प्रश्नोत्तरी में विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट। तो लक्ष्य इज एक्सपर्ट इन क्विज मीन्स लक्ष्य प्रश्नोत्तरी में विशेषज्ञ है। तथ्य यानी फैक्ट। तथ्य यानी फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, नो वन इग्नोर्स द फैक्ट, मीन्स इस तथ्य की अनदेखी कोई नहीं करता, मतलब सच। तथ्य या सच को इंग्लिश में फैक्ट कहते हैं। तो नो वन इग्नोर्स अ फैक्ट मीन्स ये सच को कोई अनदेखा नहीं करता या फिर इग्नोर नहीं करता। नेक्स्ट इज परिवार। हम सबको पता है कि परिवार को इंग्लिश में कहा जाता है फैमिली। परिवार यानी कि फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, हर्षा स्पेंड्स हर वेकेशन विद फैमिली, मतलब हर्षा ने परिवार के साथ छुट्टियां बिताई। तो परिवार को हम इंग्लिश में कहेंगे फैमिली। नेक्स्ट इज इच्छा होना। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फील लाइक। इच्छा होना मीन्स फील लाइक। फॉर एग्जाम्पल, तिलक फील्स लाइक टू ईट आइसक्रीम। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे तिलक को आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है। तो इच्छा होने को इंग्लिश में कहा जाता है फील लाइक। नेक्स्ट इज क्रूर। क्रूर को इंग्लिश में कहते हैं फेरोशियस। क्रूर को इंग्लिश में कहते हैं फेरोशियस। फॉर एग्जाम्पल, एंगर मेक्स एनीवन फेरोशियस, मीन्स क्रोध किसी को भी क्रूर बना देता है। तो क्रूर को हम इंग्लिश में कहेंगे फेरोशियस। कंपनी। कंपनी मीन्स फर्म। कंपनी को इंग्लिश में कहा जाता है फर्म। फॉर एग्जाम्पल, उदय वर्क्स इन मेडिकल फर्म, मीन्स उदय मेडिकल कंपनी में काम करता है। तो कंपनी को हम इंग्लिश में कहेंगे फर्म। नेक्स्ट इज मोड़ना। कोई भी चीज को मोड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड। मोड़ने को इंग्लिश में कहा जाता है फोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, कविता लर्न्स टू फोल्ड द पेपर, मीन्स कविता ने कागज मोड़ना सीखा। तो मोड़ने को हम इंग्लिश में कहेंगे फोल्ड। नेक्स्ट इज शव यात्रा। शव यात्रा को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूनरल। शव यात्रा को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूनरल। फॉर एग्जाम्पल, वेद वेंट टू फ्रेंड्स फ्यूनरल, मतलब वेद दोस्त के अंतिम संस्कार में गया था या शव यात्रा में गया था। तो शव यात्रा को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्यूनरल। तो वेद वेंट टू फ्रेंड्स फ्यूनरल मीन्स वेद दोस्त के शव यात्रा या फिर अंतिम यात्रा में गया था। हार मानना। हार मानने को इंग्लिश में कहते हैं गिव अप। हार मानने को इंग्लिश में कहते हैं गिव अप। फॉर एग्जाम्पल, नेवर गिव अप इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस। इसका मतलब होता है सफलता चाहिए तो कभी हार मत मानो। तो हार मानने को हम कहेंगे गिव अप करना।
पकड़ना, पकड़ने को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैब, पकड़ने को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैब. फॉर एग्जाम्पल, नानी ग्रैब द क्रैब्स इजीली, मतलब नानी केकड़ों को आसानी से पकड़ लेती है. तो पकड़ने को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रैब, मीन्स नानी ग्रैब द क्रैब्स इजीली, मीन्स नानी केकड़ों को आसानी से पकड़ लेती है, मीन्स ग्रैब करती है. सामंजस्य, सामंजस्य को इंग्लिश में कहते हैं हार्मनी. सामंजस्य को इंग्लिश में कहा जाता है हार्मनी. फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन इज गुड फॉर हार्मनी एंड हेल्थ, मीन्स ध्यान सामंजस्य और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. तो सामंजस्य को हम इंग्लिश में कहेंगे हार्मनी. वजनदार, वजनदार को कहा जाता है हेवी. वजनदार को हम इंग्लिश में हेवी कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, सेक्स आर हेवी, मीन्स बोरे वजनदार है. तो वजनदार को हम इंग्लिश में कहेंगे हेवी. नेक्स्ट इज घंटा. घंटे को इंग्लिश में कहा जाता है आवर. घंटा मीन्स आवर. फॉर एग्जाम्पल, राजू गेट पेड बाय आवर, मीन्स राजू को घंटे के हिसाब से भुगतान मिलता है, मीन्स उसको जो सैलरी मिलती है वो घंटे के हिसाब से मिलती है. तो घंटे को हम इंग्लिश में कहेंगे आवर. फॉर एग्जाम्पल, राजू गेट पेड बाय आवर, मीन्स राजू को घंटे के हिसाब से भुगतान मिलता है. नेक्स्ट इज पाखंडी. पाखंडी को इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेट. पाखंडी को इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेट. फॉर एग्जाम्पल, नाउ अ डेज संस बिकम हिपोक्रेट्स, मतलब आजकल संत पाखंडी होते जा रहे हैं. तो पाखंडी को हम इंग्लिश में कहेंगे हिपोक्रेट. अवैध, अवैध को इंग्लिश में कहते हैं इलीगल. अवैध मीन्स इलीगल. फॉर एग्जाम्पल, अमन वेंट टू जेल बिकॉज ऑफ इलीगल वर्क, मीन्स अमन अवैध काम के कारण जेल गया. तो अवैध को हम इंग्लिश में कहेंगे इलीगल. कल्पनाशील मीन्स इमेजिनेटिव. कल्पनाशील को कहते हैं इंग्लिश में इमेजिनेटिव. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स ग्रैनी टोल्ड अस इमेजिनेटिव स्टोरी. इसका मीनिंग होता है कभी कभी दादी हमें काल्पनिक कहानी सुनाती थी, मीन्स कल्पनाशील कहानी सुनाती थी. तो कल्पनाशील को हम इंग्लिश में कहेंगे इमेजिनेटिव. व्यापक, व्यापक को कहा जाता है इमेंस. व्यापक मीन्स इमेंस. फॉर एग्जाम्पल, ललित्स बिजनेस हैज इमेंस एट इंटरनेशनल लेवल, मीन्स ललित का कारोबार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक है, मीन्स बहुत ही बड़े पैमाने में फैला हुआ है. तो व्यापक को हम इंग्लिश में कहेंगे इमेंस. आवश्यक, आवश्यक को इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉर्टेंट. आवश्यक मीन्स इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, फोकस ऑन पॉइंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू टॉपिक, मीन्स उन बिंदुओं पर ध्यान दे जो विषय के लिए महत्वपूर्ण है. तो आवश्यक को हम इंग्लिश में कहेंगे इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अथक. अथक को इंग्लिश में कहते हैं इंडेफैटिगेबल. इंडेफैटिगेबल. फॉर एग्जाम्पल, ही टूक इंडेफैटिगेबल एफर्ट्स टू बिल्ड करियर, मीन्स उन्होंने करियर बनाने के लिए अथक प्रयास किए. तो अथक को हम इंग्लिश में कहेंगे इंडेफैटिगेबल, मीन्स अथक. नेक्स्ट इज निष्क्रिय, जिसे कहा जाता है इंडोलेंट. निष्क्रिय मीन्स इंडोलेंट. फॉर एग्जाम्पल, डे बाय डे शान बिकम्स लेजी एंड इंडोलेंट, मीन्स दिन ब दिन शान आलसी और निष्क्रिय बनता जा रहा है. तो निष्क्रिय को हम इंग्लिश में कहेंगे इंडोलेंट. तो डे बाय डे शान बिकम्स लेजी एंड इंडोलेंट, मीन्स दिन ब दिन शान आलसी और निष्क्रिय बनता जा रहा है, मीन्स इंडोलेंट होता जा रहा है. स्वतंत्र, हम सबको पता है कि स्वतंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है इंडिपेंडेंट. स्वतंत्र मीन्स इंडिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल, बींग इंडिपेंडेंट इज अ टाइप ऑफ हैप्पीनेस, मीन्स स्वतंत्र होना एक प्रकार का सुख है. तो स्वतंत्र को हम इंग्लिश में कहेंगे इंडिपेंडेंट. प्रभावशाली, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लुएंशियल.
प्रभावशाली को इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्लुएंशियल. फॉर एग्जाम्पल प्रणीत स्पीच इज इन्फ्लुएंशियल, मीन्स प्रणीत की वाणी प्रभावशाली है. तो प्रभावशाली को हम इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश में कहेंगे. चोट, चोट लगने को इंग्लिश में कहा जाता है इंजरी. चोट मीन्स इंजरी. फॉर एग्जाम्पल बेबी गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग प्लेइंग, मीन्स खेलते खेलते बच्चे को चोट लग गई. तो चोट लगने को इंग्लिश में कहेंगे इंजरी. अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि को कहा जाता है इनसाइट. अंतर्दृष्टि मीन्स इनसाइट. फॉर एग्जाम्पल अंकल्स इनसाइट इज टू वीक, मीन्स चाचा की अंतर्दृष्टि बहुत ही कमजोर है. तो अंतर्दृष्टि को हम इंग्लिश में कहेंगे इनसाइट. प्रेरणा, किसी से प्रेरणा मिलना, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन. प्रेरणा को इंग्लिश में कहा जाता है इंस्पिरेशन. फॉर एग्जाम्पल सना गॉट इंस्पिरेशन टू बिकम डॉक्टर फ्रॉम हर मम्मी, मीन्स सना को अपनी मम्मी से डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली, मीन्स इंस्पिरेशन मिला. तो प्रेरणा मिलने को हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन. नेक्स्ट इज एक साथ मिलना, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरट्वाइन. एक साथ मिलना को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरट्वाइन. फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी मेड ऑफ टू स्टोरीज इंटरट्वाइन, मीन्स दो कहानियों से बनी कहानी आपस में मिली हुई है. एक साथ मिलने को इंग्लिश में इंटरट्वाइन कहते हैं. द स्टोरी मेड ऑफ टू स्टोरीज इंटरट्वाइन मीन्स दो कहानियों से बनी कहानी आपस में मिली हुई है. तो एक साथ मिलने को हम इंग्लिश में कहेंगे इंटरट्वाइन. अपूर्णीय, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इरेफ्रिगेबल. फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट गुड टू डिसाइड इरेफ्रिगेबल एट अ टाइम, मीन्स एक बार में अपूर्णीय निर्णय लेना अच्छा नहीं है. तो अपूर्णीय को हम इंग्लिश में कहेंगे इरेफ्रिगेबल, मतलब कि हमें अपूर्णीय मीन्स कोई भी काम आधा नहीं छोड़ना है, मीन्स इरेफ्रिगेबल नहीं रखना है. तो अपूर्णीय को हम इंग्लिश में कहेंगे इरेफ्रिगेबल. नेक्स्ट इज विनोदी, विनोदी को इंग्लिश में कहा जाता है जॉली. विनोदी मीन्स जॉली. फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली इज जॉली इन नेचर, मीन्स मेरा परिवार हसमुख और विनोदी स्वभाव का है, मीन्स जॉली स्वभाव का है. तो विनोदी को हम इंग्लिश में कहेंगे जॉली. अंतिम, अंतिम यानी कि लास्ट, अंतिम को इंग्लिश में कहा जाता है लास्ट. फॉर एग्जाम्पल मम्मी इज ऑलवेज लास्ट टू हैव अ लंच, मतलब खाने के लिए मम्मी हमेशा अंतिम होती है. तो अंतिम को हम इंग्लिश में कहेंगे लास्ट. आलसी, आलसी माने के लेजी. आलसी मीन्स लेजी. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग वेकेशंस मेड एवरीवन लेजी, मतलब लंबी छुट्टियों ने सबको आलसी बना दिया. तो आलसी को हम इंग्लिश में कहेंगे लेजी, मतलब लंबी छुट्टियों ने सबको आलसी बना दिया, मीन्स लेजी बना दिया. नेक्स्ट इज दयालु, दयालु को हम इंग्लिश में कहेंगे लीनियंट. दयालु मीन्स लीनियंट. फॉर एग्जाम्पल अन्ना इज लीनियंट, ही फीड्स होमलेस फॉर फ्री, मीन्स अन्ना दयालु है, बेघरों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं. तो दयालु को हम इंग्लिश में कहेंगे लीनियंट. लीनियंट मीन्स दयालु. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वर्ड इज स्तर. स्तर को इंग्लिश में कहा जाता है लेवल. स्तर मीन्स लेवल. फॉर एग्जाम्पल आरोही हैड प्ले फर्स्ट लेवल ऑफ ओलंपिक, मीन्स आरोही ने ओलंपिक का पहला स्तर खेला था. तो स्तर को हम इंग्लिश में कहेंगे लेवल. नजर, नजर को इंग्लिश में कहा जाता है लुक. नजर मीन्स लुक. फॉर एग्जाम्पल पापा लाइक टू लुक आउट ऑफ बैल्कनी, पापा लाइक टू लुक आउट ऑफ बैल्कनी, मीन्स पापा को बालकनी से नजर करना पसंद है. नजर मीन्स लुक. तो पापा लाइक टू लुक आउट ऑफ बैल्कनी मीन्स पापा को बैल्कनी से नजर करना, मीन्स देखना पसंद है. नेक्स्ट इज अद्भुत.
अद्भुत को हम कहेंगे माइंड ब्लोइंग. अद्भुत मीन्स माइंड ब्लोइंग. फॉर एग्जाम्पल, नित्या गिव्स माइंड ब्लोइंग डांस परफॉर्मेंस. मीन्स नित्या ने अद्भुत डांस परफॉर्मेंस दिया. तो अद्भुत को हम इंग्लिश में कहेंगे माइंड ब्लोइंग. गुरुजी, गुरुजी मीन्स मास्टर. गुरुजी को इंग्लिश में कहा जाता है मास्टर. फॉर एग्जाम्पल, इन ओल्ड डेज मास्टर यूज टू बी स्ट्रिक्ट. मीन्स पुराने जमाने में गुरुजी सख्त हुआ करते थे. तो गुरुजी को हम इंग्लिश में मास्टर कहेंगे. कभी नहीं, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नेवर. कभी नहीं मीन्स नेवर. फॉर एग्जाम्पल, असीम नेवर वेंट फॉर आउटिंग इन स्कूल डेज. मीन्स असीम स्कूल के दिनों में कभी बाहर घूमने के लिए नहीं गए. तो कभी नहीं को हम इंग्लिश में नेवर कहेंगे. बार बार, बार बार को इंग्लिश में कहा जाता है ऑफन. बार बार मीन्स ऑफन. फॉर एग्जाम्पल, कवि ऑफन रिमाइंड्स मी अबाउट बुक. मीन्स कवि मुझे बार बार किताब के बारे में याद दिलाता है. तो बार बार को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑफन. पक्का रास्ता बनाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं पेव. पक्का रास्ता बनाना मीन्स पेव. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू पेव द रोड्स. मीन्स आपको सड़कों को पक्का करने की जरूरत है. तो पक्का रास्ता बनाने को हम इंग्लिश में कहेंगे पेव. खुशी, खुशी मीन्स प्लेजर. खुशी मीन्स प्लेजर. फॉर एग्जाम्पल, प्लेजर टू मीट यू. जब हम किसी को मिलते हैं और हमें खुशी होती है तो हम क्या कहते हैं, प्लेजर टू मीट यू. मीन्स आपसे मिलकर खुशी हुई. प्लेजर टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर खुशी हुई. इस विशेषाधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिविलेज. विशेषाधिकार को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिविलेज. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिविलेज इज रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन. मीन्स विशेषाधिकार केवल महिला के लिए आरक्षित है. तो विशेषाधिकार के लिए हम इंग्लिश में कहेंगे प्रिविलेज. शांत, शांत मीन्स क्वाइट. शांत मीन्स क्वाइट. दिस टेम्पल गिव्स क्वाइटनेस. मीन्स यह मंदिर शांति देता है. तो शांत को हम इंग्लिश में कहेंगे क्वाइट. नवीकरण या नूतनीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिन्यू. नवी या नूतनीकरण को हम इंग्लिश में रिन्यू कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू रिन्यू अवर एग्रीमेंट. मीन्स हम अपने समझौते का नवीकरण करने जा रहे हैं. तो नवीकरण को हम इंग्लिश में कहेंगे रिन्यू. नेक्स्ट इज घूमना फिरना. घूमना फिरना को हम इंग्लिश में कहते हैं रोम अराउंड या फिर रोम. घूमना फिरना को हम इंग्लिश में रोम या फिर रोम अराउंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पूरब लव्स टू रोम इन डिफरेंट सिटी. मीन्स पूरब को दूसरे शहर में घूमना फिरना पसंद है. तो घूमना फिरना को हम इंग्लिश में कहेंगे रोम. संवेदनशील, संवेदनशील मीन्स सेंसिटिव. संवेदनशील को इंग्लिश में कहा जाता है सेंसिटिव. फॉर एग्जाम्पल, रिया बिकम सेंसिटिव अबाउट हर डॉग. मीन्स रिया अपने कुत्ते के प्रति संवेदनशील हो जाती है. तो संवेदनशील मीन्स सेंसिटिव. तो संवेदनशील को हम इंग्लिश में कहेंगे सेंसिटिव. डूबना, डूबना मीन्स सिंक. डूबना मीन्स सिंक. द शिप इज सिंकिंग. मीन्स जहाज डूब रहा है. द शिप इज सिंकिंग मीन्स जहाज डूब रहा है. नेक्स्ट इज आत्मा. आत्मा को कहते हैं स्पिरिट. आत्मा मीन्स स्पिरिट. फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट डिस्ट्रॉय हर बॉडी बट नॉट हर स्पिरिट. मीन्स दुर्घटना ने उसके शरीर को नष्ट कर दिया लेकिन उसकी आत्मा को नहीं. तो आत्मा को हम इंग्लिश में कहेंगे स्पिरिट. जिद्दी, जिद्दी मीन्स स्टबर्न. जिद्दी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टबर्न. फॉर एग्जाम्पल, पैम्परिंग मेड टिया स्टबर्न. मीन्स
लाड़ प्यार ने टिया को जिद्दी बना दिया, तो जिद्दी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टबन। किराएदार, किराएदार को इंग्लिश में कहा जाता है टेनेंट। किराएदार मीन्स टेनेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सर्चिंग फॉर टेनेंट मीन्स मुझे किराएदार की तलाश है, तो किराएदार को हम इंग्लिश में कहेंगे टेनेंट। सहनशील, सहनशील को कहा जाता है टॉलरेंट। सहनशील मीन्स टॉलरेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे लर्न टू बी टॉलरेंट ऑफ अदर पीपल मीन्स वे दूसरे लोगों के प्रति सहनशील होना सीखते हैं, तो सहनशील को हम इंग्लिश में कहेंगे टॉलरेंट। नेक्स्ट इज तब तक। तब तक को इंग्लिश में कहते हैं अंटिल। तब तक मीन्स अंटिल। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन Hardly wait until tomorrow means मैं कल तक मुश्किल से इंतजार कर सकता हूँ, तो तब तक को हम इंग्लिश में कहेंगे until। जहाँ से means whence। जहाँ से को इंग्लिश में कहते हैं whence। For example, let him return whence he come means वह जहाँ से आया था उसे वापस आने दो means जहाज से, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेंस। लेट हिम रिटर्न वेंस ही कम मीन्स वह जहाज से आया था उसे वापस आने दो। पत्नी, पत्नी को इंग्लिश में कहा जाता है वाइफ। पत्नी मीन्स वाइफ। फॉर एग्जाम्पल, दक्ष प्राउड ऑफ हिज लॉयर वाइफ मतलब दक्ष को अपनी वकील पत्नी पर गर्व है, तो पत्नी को हम इंग्लिश में कहेंगे वाइफ। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य को इंग्लिश में कहा जाता है वो। दुर्भाग्य मीन्स वो। फॉर एग्जाम्पल, नो वन नोज अबाउट वो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कोई उनके दुर्भाग्य के बारे में नहीं जानता, तो दुर्भाग्य को हम इंग्लिश में कहेंगे वो। तो नो वन नोज अबाउट वो मीन्स कोई उनके दुर्भाग्य के बारे में नहीं जानता। जम्बाई, जम्बाई को इंग्लिश में कहते हैं यौन। जम्बाई मीन्स यौन। फॉर एग्जाम्पल, माही यौनिंग थ्रू आउट द क्लास मीन्स माही पूरी कक्षा में जम्बाई ले रही है, तो जम्बाई को हम इंग्लिश में कहेंगे यौन या यौनिंग। नल, हम सबके घर में नल होता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टैप। नल माने की टैप, तो फॉर एग्जाम्पल, टर्न ऑन द टैप, इसे हम हिंदी में कहते हैं नल चालू करो मीन्स टर्न ऑन द टैप, तो नल को हम इंग्लिश में कहेंगे टैप। बूंद, बूंद को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रॉप। बूंद मीन्स ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन हिज शर्ट मीन्स मैंने उसकी कमीज पर स्याही की बूंद देखी, तो बूंद को हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप। किसान, किसान को कहते हैं फार्मर। किसान को कहते हैं इंग्लिश में फार्मर। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर वर्क्स डे नाइट टू फीड अस मतलब किसान हमें खिलाने के लिए दिन रात काम करता है, तो किसान को हम इंग्लिश में कहेंगे फार्मर। अनेक गुणों वाला, अनेक गुणों वाला मीन्स वर्सेटाइल। अनेक गुणों वाला मीन्स वर्सेटाइल। फॉर एग्जाम्पल, This device is versatile for daily routine means ये उपकरण दैनिक दिनचर्या के लिए बहुगुणी है। बहुगुणी means अनेक गुण वाला, तो this device is versatile for daily routine means ये उपकरण दैनिक दिनचर्या के लिए बहुगुणी है means अनेक गुण वाली है। टहलना, टहलना को हम इंग्लिश में कहते हैं saunter। टहलना means sauntered। For example, He feel fresh as he sauntered all temple means वह पुराने मंदिर में टहलते हुए तरोताजा महसूस करता है, तो टहलने को हम इंग्लिश में कहेंगे sauntered। कानाफुसी, जब हम कोई किसी के कान में कानाफुसी करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं whisper। कानाफुसी को इंग्लिश में कहा जाता है whisper। For example, eat fast cousin whispered into Jia's ear means जल्दी खाओ
चचेरे भाई ने जिया के कान में फुसफुसाया। कानाफुसी मीन्स विस्पर, तो ईट फास्ट कजिन विस्पर्ड इनटू जियाज ईयर मीन्स जल्दी खाओ, ऐसे चचेरे भाई ने जिया के कान में फुसफुसाया मीन्स विस्पर किया। जंगली, जंगली को कहा जाता है वाइल्ड, जंगली मीन्स वाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, नमन स्टडीज ऑन वाइल्ड लाइफ फ्रॉम पास्ट टू ईयर्स मीन्स नमन पिछले 2 साल से जंगली जीवन पर अध्ययन कर रहे हैं। तो जंगली को हम इंग्लिश में कहेंगे वाइल्ड। चुनना, चुनना मीन्स चूज, कोई भी चीज चुनने को हम इंग्लिश में चूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया चूज ब्लू साड़ी, मतलब प्रिया ने नीली साड़ी चुनी मीन्स चूज की, तो चुनने को हम इंग्लिश में कहेंगे चूज। मसालेदार, मसालेदार को इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइसी, मसालेदार मीन्स स्पाइसी। द मील इज सो स्पाइसी, मतलब खाना बहुत मसालेदार है, मसालेदार मीन्स स्पाइसी, तो खाना बहुत मसालेदार है मीन्स द मील इज सो स्पाइसी। नेक्स्ट इज खोज करना, खोज करने को इंग्लिश में कहा जाता है रिसर्च, खोज करना मीन्स रिसर्च करना। फॉर एग्जाम्पल, ही रिसर्च अबाउट द न्यू प्लांट्स मीन्स वह नए पौधों के बारे में शोध करता है, तो खोज करने को हम इंग्लिश में कहेंगे रिसर्च करना। राह या रास्ता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वे, राह या रास्ता को इंग्लिश में वे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विच वे गो टू बीच, जब हम किसी को पूछते हैं कि विच वे गो टू बीच, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे समुद्र तट पर किस रास्ते जाए, रास्ता मीन्स वे, तो इंग्लिश में हम इसको वे कहते हैं। तो विच वे गो टू बीच मीन्स समुद्र तट पर हम किस रास्ते जाए। हिस्सा, हिस्सा यानी कि पार्ट, हिस्सा को इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, रीना टेक पार्ट इन एवरी स्पोर्ट एक्टिविटी मीन्स रीना हर खेल गतिविधि में हिस्सा लेती है। हिस्सा लेना मीन्स पार्ट लेना, तो हिस्से को हम इंग्लिश में कहेंगे पार्ट। रीना टेक पार्ट इन एवरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी मीन्स रीना हर खेल के गतिविधि में हिस्सा लेती है मीन्स पार्ट लेती है। सेकेंड लास्ट इज ईट, ईट को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रिक, ईट को हम इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं, जिससे हम घर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिक्स आर यूज इन बिल्ड द हाउस, मतलब मकान बनाने में ईटों का प्रयोग होता है, तो ईट को हम इंग्लिश में ब्रिक कहेंगे। और लास्ट है खोना मीन्स लूज, खोना मीन्स लूज या लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, श्रिया लॉस्ट हर फोन इन ट्रेन मीन्स श्रिया ने अपना फोन ट्रेन में खो दिया, तो खोने को हम इंग्लिश में कहेंगे लॉस या लूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।